हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का चैप्टर है 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिन। सभी सोचा करते थे कि हॉरेस डैनबी एक नेक ईमानदार नागरिक है। वे लगभग 50 साल का था और अनमैरिड था। एक बार वे किसी चौकीदार के साथ रहता था जो उसके हेल्थ में उसका ध्यान रखा करता था। वास्तव में वो गर्मियों के बुखार के सिवाय पूरे साल स्वस्थ और प्रसन्न रहा करता था। वे ताले बनाया करता था, उसके दो सहायक भी थे और अपने धंधे में वे काफी सफल था। हाँ, हॉरेस डैनबी ने और सम्मानित तो था, पर वो ईमानदार नहीं था। 15 वर्ष पहले ही वो एक कारावास पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सजा काटकर आया था। उसे किताबों का बहुत शौक था, खासतौर पे कीमती और जो स्पेशल बुक्स होती थी उनकी। वो एकदम से उनको पढ़ने के लिए पागल रहता था, इसलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटा करता था और प्रति वर्ष सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जो कुछ उसे करना होता था वह करता था और उतना चुरा लेता था जिससे कि वो अपने 12 महीने को आसानी से बिता सके। और एक एजेंट के माध्यम से वह अपनी पसंदीदा पुस्तकें चुपचाप खरीद लिया करता था। इसलिए जुलाई के महीने में चमकते हुए धूप में घूमते हुए उसने पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली थी कि इस साल की चोरी भी पहले की बाकी चोरियों की तरह ही सफल रहेंगी। और शॉर्ट ओवर ब्रिज वाले घर का वह 2 सप्ताह से निगरानी कर रहा था। उसके कमरों की निगरानी करना और उसकी बिजली की फिटिंग और कि किस तरीके से बिजली की फिटिंग की गई है, उसके रास्तों और बाग को देखना, इन सब चीज़ों की वो कई दिनों से निगरानी कर रहा था। और उस दिन दोपहर बाद वे दोनों नौकर जो ग्रेंच में तब रहते थे जब परिवार लंदन में होता था, सिनेमा देखने चले गए थे और हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था और नाक में गर्मी वाला फीवर होने की वजह से वह थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। अब वह क्या करता है कि बाकी पीछे वाली दीवार से आ जाता है और उसके जो औजारे बड़ी सावधानी से बंधे हुए उसकी पीठ पर लदे हुए होते हैं। और उसका ऐसा उसने सुना होता है कि ग्रेन्स वाली जो तिजोरी है उसमें लगभग 15,000 पाउंड के हीरे यानी नग रखे हुए हैं। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो उसे 5,000 पाउंड प्राप्त होने की पूरी श्योरिटी थी। और वो सोचता है कि मेरा एक साल और अच्छे से गुजर जाएगा। और जैसे ही पतझड़ का मौसम जो आने वाला है उसमें 3 मज़ेदार बुक छपने वाली हैं, आने वाली हैं मार्केट में, तो उसके लिए भी उसके पास जो है अमाउंट आ जाएगा जिससे कि वो मनचाही पुस्तकें खरीद सकेगा, एंजॉय करेगा। उसने जो है चौकीदार को बाहर रसोई के दरवाजे के हुक के ऊपर चाबी टांगते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी उतारने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए और चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वह हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखता था कि उसके उंगलियों के निशान कभी ना पड़े। अब जैसे ही वो रसोई में एंट्री करता है वहाँ एक छोटा सा कुत्ता सोया हुआ होता है जिसका नाम होता है शैली। शैली जो है एक डॉगी है, उसको देख के भौंकने लगता है। इतने में जो हॉरेंस है उसे प्यार से उसके नाम से पुकारता है और वो डॉगी जो है चुप हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। उसका मानना होता है कि अब जैसे ही कोई भी डॉगी अगर उसके उसके नाम से पुकारते हैं तो वो आपसे प्यार दिखाता है। और जो तिजोरी होती है वो ड्राइंग रूम में एक घटिया पेंटिंग के पीछे होती है और हॉरेस वो थोड़ी सी देर के लिए आश्चर्य होता है कि मैं बुक लेने की जगह ये पेंटिंग ही इकट्ठे कर लेता हूँ और इसके लिए मुझे पर ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो एक छोटे से घर के अंदर किताबें भी अच्छी हैं, ये सोचता है वो। फिर मेज़ के ऊपर एक बड़ा सा फूलदान रखा होता है जो हॉरेस की नाक में गुदगुदी कर रहा होता है। आई मीन कि उसको बार बार वो उसकी जो स्मेल है छींक ला रही होती है, उसके उसको छींकें आ रही होती हैं, स्नीजिंग करता है वो। वो फिर वो
आराम से अपने जो औजार वाला थैला होता है उसे रखता है और औजारों को बिल्कुल आराम से लाइन से लगा देता है, क्योंकि अभी नौकरों के लौटने में 4 घंटे बाकी थे। और जो ये तिजोरी खोलना, तो उसके लिए कोई कठिन बात नहीं थी, क्योंकि वो जीवन भर ही ताला और तिजोरियों के बीच रहा है। और वो क्या कहता है, चोर घंटी जो होती है हल्की सी बनी हुई थी, उसकी तार को काटने के लिए हॉल में चला जाता है। और वहां से जब वापस आता है तो जोर से छींक मारती है, क्योंकि वहां पे फूलों की महक उसकी नाक में चढ़ती है। अब हॉरिस सोचता है कि इतनी इंपॉर्टेंट और कीमती चीजें रखने से पहले लोग सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो जिस घर में चोरी करने जाता है उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक कि उसके घर के कमरे, मैप और कौन सी पेंटिंग कैसी कहाँ लटकी है, ये सब इस सब का जो भी है विवरण जो है उस पत्रिका में दिया होता है, जिससे उसको और ज्यादा आसानी हो जाती है। अब हॉरिस जो है वो देखता है कि जो फूलों की स्मेल है वो उसको थोड़ा सा परेशान कर रही है। वो अपनी नाक से रुमाल को बांध लेता है, जिसके पूरा फेस उसका कवर हो जाता है। और फिर उसने गलियारे से कोई आवाज आती हुई सुनी। वो बोलते हैं कि यह क्या है, जुकाम या गर्मी का बुखार? हॉरिस बिना समझे बोलता है ये गर्मी का बुखार है, और दोबारा छींकने लगता है। आवाज आती गई। आप जानते हैं, यदि आपको ठीक यह पता चल जाए कि यह रोग किस पौधे से होता है, तो एक विशेष इलाज द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। वो आवाज एक लेडी की होती है। वो कहती है कि आप इसका इलाज करवाएं, अच्छे डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अभी अभी मैंने घर की छत के ऊपर से आपकी छींक की आवाज सुनी थी। ये जो आवाज है एकदम शांत और दयालु आवाज थी, पर एक तरह से स्ट्रॉन्ग वॉइस के रूप में। और फिर वो देखता है कि वो लेडी अंदर एंट्री करती है, और शेरी जो है उसके शरीर के साथ अपना शरीर रगड़ रहा होता है। वह एक लड़की होती है, अट्रैक्टिव और सुंदर लाल कपड़ों में। वह अंगीठी के पास पहुंचती है और वहां पर अपने जेवरों को फैला देती है। लेट जाओ शेरी, वह लड़की बोलती है, सभी समझ जाएंगे कि एक महीने बाद यहाँ आई हूँ। वह हॉरिस के ऊपर मुस्कुराई और बोलती है कि फिर भी मैं ठीक समय पर लौट आई हूँ, हालांकि मुझे सेंधमार से मिलने की आशा नहीं थी, मतलब चोर है उससे मिलने की कोई उससे आशा नहीं थी, पर फिर भी कोई बात नहीं। अब हॉरिस को लगता है कि शायद वो मुझसे मिलकर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हुई है, कि उसको अच्छा लगा है मुझसे मिलकर, इसलिए वो आकर मेरे पास बैठ गई है और ज़्यादा कुछ बोलने वाली नहीं लग रही, जैसे डांटने वाली या कुछ और रिएक्शन करे, वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से उसे बोल रही होती है। अब वो लेडी बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलकर आपको परेशानी हुई है, आप क्या करने वाले हैं? ये वो कहती है उससे। तो वो हॉरिस बोलता है कि मैं सबसे पहले यहाँ से भागने के लिए सोचूंगा। वो कहते सचमुच आप वैसा करते? पर मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी तो तुम्हारे बारे में और सभी को बता दूंगी, तो वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। तो हॉरिस बोलता है जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं टेलीफोन की तार जो है काट दूंगा। तो हिचकिचाया और मुस्कुराते हुए चेहरे पर बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकोगी, कुछ घंटे का समय अभी बाकी है। अब वो लेडी बोलती है क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? तो हॉरिस कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ डरा रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं, आप डरी नहीं। तो हॉरिस कहता है कि ये अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाएं और यहाँ से जाने दें। तो उसकी जो पैनी आवाज़ थी उसको देखते हुए वो लेडी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जैसे लुटेरों से ही समाज को बचाना ही होगा, और तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मैं तो यही चाहती हूँ। और इस थोड़ा सा स्माइल करता है और बोला मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज को डराए, मैं केवल उतनी चोरी करता हूँ जिससे कि मेरा पालन पोषण हो चुके सके और मैं अपना काम चला सकूँ। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मेरे को चोरी खूब सारी धनराशि लेके ही करनी है, मेरा सिर्फ इतना है कि मेरी रोजी रोटी चल सके, और मैं वैसे भी जो कारावास की सजा से घृणा करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर जो है वो जो लेडी है हंसने लगती है और सोचती है कि देखो मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है, पर मैं परेशान हूँ, मुझे जाने दो
और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस प्रकार का कोई कार्य आगे नहीं करूँगा। यह मेरा वास्तविक जो है एक प्रण है, प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो लेडीज हंसते हुए बोलती है कि अच्छा सच्ची में तुम्हें जेल जाने से डर लगता है। तो वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई और कहती है कि मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज के ऊपर रखे चांदी के डिब्बा उठाया और उससे एक सिगरेट निकाली और हॉरेंस ने उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना लाइटर भी दे दिया और अपने दस्ताने भी उतार दिए। आप मुझे जाने देंगी? उसने लाइटर की तरफ देखते हुए ये कहा। हाँ पर केवल जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे। तो वो लॉरेंस कहते हैं कि हाँ बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि एक्चुअली मुझे ना किसी पार्टी में जाना है और मुझे नहीं पता था कि मेरे जेवर इस तिजोरी में ही बंद रह गए हैं, क्योंकि लंदन जाते समय मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था क्या तुमने अपने सारे जेवर रख लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ मैंने सारे बैंक में डाल दिए हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, मैं भूल गई थी, इसलिए मुझे लेने के लिए जेवर यहाँ आना पड़ा। ये जो है लॉरेंस से वो लेडी बोलती है। हॉरेस स्माइल करते हुए बोलता है कि इतना ही है ना कि आप इस तिजोरी का नंबर भूल गए हैं। तो लेडी बोलती है हाँ यही बात है। तो हॉरेस कहता है कि कोई बात नहीं, एक घंटे का टाइम दो और ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं खोल दूंगा तिजोरी आसानी से और तुम अपने जेवर लेके चली जाना, पर एक कंडीशन ये है कि तुम मुझे बिना पुलिस को बुलाए ऐसे ही जाने दोगे। वो लेडी बोलती है कि जो भी कुछ जो तिजोरी में टूट फूट जो भी होगी वो मैं करा लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है एक महीने बाद ही यहाँ आएंगे, उस बीच में ये काम करा लूँगी। अब क्या होता है, तिजोरी खुल जाती है और वो जो औरेस है उस लेडी को सारे जेवर उसको दे देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसको इस बात की खुशी होती है कि चलो उसने मुझे आसानी से छोड़ दिया है। और हॉरेस ने उस लेडी से वादा किया था कि मैं चोरी नहीं करूँगा, तो इस चीज़ के लिए सिर्फ दो ही दिन वो रुक पाया। और तीसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ उसे जो है बुक्स का ख्याल आया कि मुझे बुक्स लेनी है और उसके लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो कोई दूसरी तिजोरी को पकड़ेगा। जो वो प्लानिंग कर रहा होता है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जो लॉरेंस में जो चोरी हुई होती है उसकी खबर उसके कानों तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले जो हैं उसको पकड़ कर गिरफ्त कर ले जाते हैं और उसे कारावास में डाल देते हैं, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान जो हैं उस तिजोरी पर होते हैं, क्योंकि वो बिना ग्लव्स के वो तिजोरी को खोलता है। और किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब वो बोल रहा था कि मैंने तिजोरी खोलकर जो गहने हैं इस घर की जो मालिक की पत्नी है उसको दिए हैं, अपनी खातिर तिजोरी खोलने के लिए उसने कहा था ये, वो ये सब चीज़ें पुलिस वालों को बोलता है पर कोई उसका विश्वास नहीं करता। वहाँ एक सफ़ेद तालों वाली तथा तेज जीव वाली 60 वर्षीय महिला स्वयं बोली की कहानी अर्थहीन है, इसको कोई मीनिंग ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, आप इसे ले जाइए। अब हॉरेस जो है कारावास में सहायक जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में वहाँ काम करता है और उस लेडी के बारे में सोचता है कि जो कि उसी के धंधे में थी और किस तरीके से उसे चकमा दे जाती है। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आती है जो व्यक्ति ये कहता है कि चोरों के अंदर सम्मान की बात होती है, सम्मान करना एक अच्छा गुण है, और ना ही वो अब किसी पर विश्वास करेगा।